हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर तरुण और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक काफ़ी सिंपल है। काफ़ी पेरेंट्स का मानना यह है कि हमारे बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है और हम इसकी दवाई चलाना चाहते हैं। अब मेन चीज़ आती है कि बच्चे की एज कितनी है। बच्चे की एज अभी 7 साल है, 8 साल है, बस इतनी एज है, तो उन्हीं के लिए वीडियो है। देखिए, जनरली मैं आपको यहाँ पर चीज़ बताऊँगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा आपको। अगर आपको अपनी बच्चे की हाइट कम लग रही है और आपको उसकी मेडिसिन स्टार्ट करनी है, तो सही समय आने दीजिए उसका। सही समय का मीन्स ये है कि उसके अंदर मैच्योरिटी आने दीजिए, 12 साल 13 साल की उसकी एज होने दीजिए। फिर भी लगता है कि उसकी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही है 12 साल के अकॉर्डिंग, 13 साल के अकॉर्डिंगली, तब जाके आप उस बच्चे को मेडिसिन दिलवाएँ, ठीक है, लगभग 13 साल के बाद, 12 साल के बाद। क्योंकि इसमें यह है कि पेरेंट्स जो है कंपेयरिंग करते हैं कि हमारा बच्चा 7 साल का है, छोटा है, उसका बच्चा 6 साल का है, हमारे बच्चे से लंबा है। तो आपने नॉर्मली जनरली भी देखा होगा कि बच्चे की हाइट कई बार तुरंत से बढ़ती है। मोस्टली केसेस में हम देखते हैं कि बच्चे की जो है 12 साल हुई, 11 साल हुई, 13 साल हुई, तो बच्चे की जो हाइट जो रुकी हुई थी वो स्पीड से बढ़ने लगी है। ऐसा होता है, आपके आसपास भी ऐसा होता होगा, आपने भी नोटिस किया होगा कि बच्चा 1-1 साल में काफ़ी लंबा लंबा स्टार्ट होना शुरू हो जाता है और विदाउट मेडिसिन, कोई मेडिसिन नहीं दी गई है। तो जनरली हम देखते हैं तो आपको जो दवाई स्टार्ट करनी है 12 से 13 साल बाद स्टार्ट करनी है, अगर आपको लग रहा है कि इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है तब। और इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है कि जी मेरा बच्चा 8 साल का है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है और टेंशन होगी कि बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। आपके पास काफ़ी समय है। बच्चे की हाइट अगर बढ़ती है तो लगभग अमूमन देखा जाए नॉर्मली तो लगभग 18 साल तक आप मान सकते हैं, लड़की और लड़के 18 साल तक आसानी से बढ़ जाएंगे। और उसकी हाइट कम भी रह जाती है, आप मेडिसिन स्टार्ट करना चाहते हैं तो 18 साल तक आप जो है मेडिसिन खिला सकते हैं, 12-13 साल से स्टार्ट करके। तो मोटा मोटा हम देखते हो तो टाइम आपके पास 6-7 साल का है जिसमें आप मेडिसिन खिला के उसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। अब मेन चीज़ आती है जी, हाइट के लिए मेडिसिन नुकसान दे जाती हैं, काफ़ी लोगों का ये कन्फ्यूज़न है। देखिए, अगर आप स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगवाएंगे, ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन लगवाएंगे तो वो नुकसान दे सकती है। बट अगर आप होम्योपैथी करें, आयुर्वेदिक करें, जो भी आपका मन है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको होम्योपैथी ही करनी है, जो भी आपका मन है आप वो पैथी से अपना ट्रीटमेंट दिलवाइए बच्चे को। 4 महीने 6 महीने का ट्रीटमेंट दिलवाइए, इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। दूध पिलाइए, एक्सरसाइज करवाइए। कौन सी मेडिसिन दी जाती है इसके लिए मैं कभी लास्ट में, बाद में मेडिसिन बताऊंगा आपको किसी और वीडियो में। आज के वीडियो में केवल मुझे यही बताना था क्योंकि मुझे लगा कि काफ़ी लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि हमारे बच्चे की हाइट कम है, ठीक है। आई होप सिंपल लैंग्वेज में आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि बच्चे की मैच्योरिटी की कहानी है, उसकी हाइट फैक्टर की कहानी है कि वो कब तक बढ़ता है। तो आप इसमें बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। और किसी का बच्चा अगर 6 साल का है और लंबा है और आपका बच्चा छोटा है, उसमें भी टेंशन मत लीजिए। सबके जीन अलग अलग होते हैं, सबकी बॉडी के अंदर जो ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ करवाता है, वो उसका लेवल अलग अलग होता है, ठीक है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।